श्री सुनीता देवी जी, राधे राधे गुरु जी। मैं गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मेरे पापा ने एक नीम का वृक्ष लगाया है जो देसी नहीं है। सब लोग कहते हैं यह अशुभ है। अच्छा, आपने नीम का वृक्ष लगाया है तो वृक्ष लगाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आई हो, नकारात्मकता आई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो? देखिए, कोई भी वृक्ष अशुभ नहीं होता, है ना? कोई भी वृक्ष, नीम जो हमारी ये सामान्य नीम, हम लोग जिसकी पत्तियां खा लिया करते हैं, जो सामान्य नीम होती है ना, ये नीम बड़ी शुभ मानी गई है। आप कह रहे हैं कि जो आपने नीम लगाई है वो देसी नहीं है। कोई बात नहीं, वृक्ष अशुभ नहीं है, पर देसी नीम लगाएं, जो नीम सब जगह हम लोग देखते हैं, जिस नीम की पत्ती कड़वी, और एक नीम वो होती है जो कढ़ी में डलती है नीम का, उसे मीठी नीम बोलते हैं। वो तो छौंका लगाने के काम आती है, सब लोग लगा लेते हैं ताकि वो बाहर लेने ना जाना पड़े। वो नीम मीठी नीम बोलते हैं उसको, वो नीम भी लगाते हैं। ये नुकसानदायक कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई भी वृक्ष नुकसानदायक नहीं है। घर में जो लगाया जाए, नीम अशोक घर में लगाने के लिए, वैसे अशोक भी अच्छा है, नीम भी अच्छा है, पर नीम देसी हो तो अच्छा है। ये मीठी नीम हो सकती है आपके यहाँ की, और वो सब्जियों के छौके में, खासकर कढ़ी के छौके में उसका प्रयोग किया जाता है, जो सब लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ भी लगी है वो नीम, तो कोई उसमें ये नहीं है कि वो अशुभ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। वृक्ष तो वृक्ष हैं, सबकी सेवा करते रहें, इसी से हम सबका कल्याण है। शिवम राजपूत, राधे राधे महाराज जी। हमारा यह सवाल है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को दोपहर को पसीना आता है, उनका चंदन गीला हो जाता है, क्या इसके पीछे कोई संकेत है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, भगवान आपके घर में है और उन्हें पसीना आता है, तो ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा कूलर पंखा ठाकुर जी की तरफ लगा दीजिए। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई गर्मी बहुत लग रही है, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, आप बढ़िया हवा करिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं आपसे, बाकी सब अच्छा है, भगवान आपका कल्याण ही करेंगे, किसी भी प्रकार से आपका अहित नहीं होगा, सदा भगवान हित करेंगे, और भगवान की सेवा और अधिक कीजिए।